तो हाँ जी भाई लोग आ चुके हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो आज जो करेंगे, जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ एस जे कैम का, तो उसका रिव्यू करेंगे। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ इस पर 1080p 60fps पे है, और इसका जो रेजोल्यूशन आता है ये एक होता है 1080p fps, जो कि आप इसका फुटेज अभी देख पा रहे हैं। इसका फुटेज देखिए, जो कि मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ 1080p 60fps पे ही करता हूँ रिकॉर्ड। तो अभी चेंज करते हैं रेजोल्यूशन, तो अभी आते हैं। तो जी हाँ, अभी जो देख रहे हैं ये है 1080p का 30fps में, इसका क्वालिटी कुछ ऐसा दिखता है। क्योंकि हाँ, क्वालिटी इसका ऐसा है, मैं एक ही एंगल से शूट करूँगा क्योंकि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो आते हैं दूसरा क्वालिटी पे। तो जी हाँ, आ चुके हैं और एक रेजोल्यूशन पे, जो कि है 720p 120fps पर, जिसका क्वालिटी कुछ ऐसा आता है। तो जी हाँ, आ चुके हैं और एक क्वालिटी पे, जो कि है 720p 60fps पर। तो इसको क्वालिटी देखिए। तो जी हाँ, अभी आ चुके हैं और एक क्वालिटी पे, जिसका 720p और 30fps पे है। अभी इसको क्वालिटी देखिए। तो जी हाँ, ये है और एक क्वालिटी, जो कि है 180p 34:3। ये क्या है भाई लोग, मेरे को पता नहीं चल रहा, देखिए आप लोग ही। तो ये क्वालिटी आ रहा है अभी, तो चेंज करते दूसरा क्वालिटी पे अभी चल। तो जी हाँ, आगे और एक क्वालिटी पे, जो कि है 180p 30fps सुपर, जिसका क्वालिटी कुछ ऐसा आता है निखर के देखिए। हाँ जी, ऐसा होता है इसका क्वालिटी। अब चेंज करते हैं क्वालिटी पे, 4K 24fps, जो कि शायद से ब्लैंक हो गया रिकॉर्डिंग, फ़ोन में दिखा रहा हूँ जो भी है। तो आते हैं दूसरा, जो लास्ट वाला क्वालिटी कैम का है, उसमें आते हैं अभी। तो जी हाँ, ये सबसे लोएस्ट वाला क्वालिटी है इस कैम का, जो कि है VGA 240fps। क्वालिटी तो कत्ते ही गंदा आ रहा है। तो अभी हो गया इसका क्वालिटी के बाद, तो अभी इसका क्वालिटी चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत ही गंदा वाला क्वालिटी आ रहा है। तो जी हाँ भाई लोग, हो चुका है इसका क्वालिटी की बात। तो अभी आते हैं इसका साउंड क्वालिटी में। मर चुका है शायद से। तो अभी आते हैं इसका साउंड क्वालिटी में, जो कि साउंड क्वालिटी में अभी इसका ही कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ साउंड, जो कि मेरे कैमरे में कोई एक्सटर्नल माइक मैंने अटैच नहीं किया अभी तक, और ऐसा कुछ आवाज़ आती है। और जब आप विंड नॉइज़ की बात पे आते हैं, तो विंड नॉइज़ कुछ ऐसा आता है, जब भी आप बाइक चलाएंगे तब विंड नॉइज़ कुछ ऐसा आएगा। ट्वेंटी वन की स्पीड में अभी हो, तो क्वालिटी अच्छा तो आएगा ही। ये साउंड क्वालिटी एकदम गंदा हो गया, शायद से नहीं हो ही गया। अभी फिर से चलते हैं उसी लोकेशन पर। इसका था ये साउंड का क्वालिटी, जो कि अच्छा है जब स्लो स्पीड पे या खड़े होकर बात करेंगे तब अच्छा है, लेकिन जब बाइक चलाते हुए राइड करते हुए आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तब क्वालिटी एकदम गंदा वाला आएगा।
और क्वालिटी, साउंड क्वालिटी की तो बात हो गया। तो इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो ये आता है, मैंने जब लिया था वो 800-850 का पड़ा था मेरे को, तो फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र आया था तभी ले लिए थे। तो इस रेंज में ऐसा क्वालिटी मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इसका जो माइक आता है, आप माइक भी ले सकते हो एक्स्ट्रा, जिसका इसका माइक आता है वो आता है 1600 कुछ समथिंग कुछ आता है, ऑनलाइन देख लेना आप। और क्वालिटी तब सही से मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया उसका क्वालिटी कैसा आता है, तो कैमरा का माइक तो लेंगे ज़रूर, तो तभी बता पाएंगे कैसा क्वालिटी आता है। तो फ़िलहाल अभी तो माइक नहीं है मेरे कैमरे पे, तो अभी कुछ ऐसा आता है साउंड क्वालिटी। और इसका और एक बुरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि इसका बैटरी में कुछ इशू है, जब भी चार्जिंग में देते हैं ना तो आप मान के चलिए 4-5 घंटा तो लगेगा ही चार्ज फुल होने में, और ड्रेन भी होता है अगर आप 1080p पे 1080p पे अगर करते हैं तो ड्रेन होता है। फुल चार्ज में आप शायद से 1 घंटा कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं तो कट कट के करता हूँ रिकॉर्डिंग। तो हाँ जी भाई लोग, यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे को भी दबा देना साथ साथ। तो ठीक है, मिलते हैं और किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।